बहुत कमाता था और वो इतनी मेहनत करता था कि उसको लगता था कि यार वो इतनी मेहनत करने के बाद भी अपने परिवार को कुछ नहीं दे पा रहा है। उसने भगवान को शिकायत लगाने शुरू कर दी, जहां जाता वही शिकायत लगाता, तुम ये हो वो। एक दिन भगवान आए और आके बोले, भाई तू बता तेरी तकलीफ क्या है, तेरी बातें सुन सुन के तो मैं तकलीफ में आ गया हूँ। मेरे घर वाले रोज बोलते हैं कौन है इसका, जाके निपटारा करके आओ। पहले कभी रात को 10 बजे बोल देता है, कभी 2 बजे बोल देता, जब आँख खुलती है तब बोल देता है। वो आए आगे पूछा, भाई क्या तकलीफ है? बोले जी तकलीफ ये है कि मैं मेरे परिवार को बहुत सुखमय जीवन देना चाहता हूँ, लेकिन मैं मेहनत इतनी करता हूँ लेकिन मेरा परिवार आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो उसने कहा एक काम कर, तू मर जा। बोला मैं मर जाऊंगा तो मेरे घर वाले तो बर्बाद हो जाएंगे, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, भीख मांगेंगे, ये तो बहुत गलत बात है। बोले एक काम कर, तू गायब हो जा। बोले गायब हो जा? तो फिर ये खाना कहाँ से खाएंगे? बोले तू गायब हो जा, कोई दिक्कत नहीं, तू 2 साल के लिए गायब हो जा। अब भाई ऊपर से ऑर्डर था तो उन्होंने उसको 2 साल के लिए गायब कर दिया। अब घर परिवार रोए, बिल के थाने, तहसील, पुलिस, पता नहीं कहाँ कहाँ, भाई 10-15 दिन तो ड्रामा सही चला। अब घर वाले भी समझ गए, अब तो पता नहीं किधर है, तो जीना तो पड़ेगा। घर वालों ने भाई घर देखना शुरू किया, बच्चों ने पढ़ाई देखनी शुरू की, कुछ बच्चे ऐसे थे तो थोड़ी उम्र बढ़ गई तो उन्होंने काम करना शुरू किया। धीरे 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 जब उनको पता लग गया कि अपने आगे पीछे तो कोई है ही नहीं, अब सब अपने को ही कर रहा है, तो जिम्मेदारी आई, जिम्मेदारी आई तो वो एक दिन फल भूल गए। कोठी बना ली, बंगले बना ली, गाड़ियां ले ली, पैसा कमा लिया, बढ़िया काम हो गया। 3 साल हो गई अब इस बात को, 3 साल बाद उसको किया पता लग गया भाई। अब उसको बुलाया और भेजा, जाके देख रहा है यार तो झोपड़ी भी ये क्या हो गया, ये बच्चे इतने कैसे हो गए हैं, ये सब कैसे हो गया। वो बोला कि ये तुझे लग रहा था कि तेरी वजह से परिवार नहीं बढ़ रहा है और तू इस टेंशन में जीवन भर रहता कि तेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जैसे तू हटा दुर्घटना घटा। तो तुम ऐसा सोचते हो और हम ऐसा सोचते हैं कि मैं नहीं हूं तो मेरा परिवार सब कुछ है, कुछ नहीं है। सब व्यक्ति अपने आप एक दिन सेट हो जाते हैं, इस दुनिया में लोग आए हैं और इस दुनिया से लोग चले जाएंगे। बड़ी बात यह है कि जब हम जाएंगे तब क्या छोड़ के जाएंगे।